हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल इन कस्टम मीनिया। सो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। दोस्तों, आज की वीडियो के जैसे कि टाइटल हमने आपने देखा होगा, आज हम अपने पीछे के सनशीट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी जो अपना शीशा है उसमें कोई भी फिल्म नहीं लगी है, और फिल्म भाई पता ही चलान हो जा रहे हैं बार बार, और मेरी भी दो तीन बार चलान कट चुके हैं, इसलिए मैंने फिल्म तो लगाना छोड़ ही दिया है। दोस्तों, आज जो है हम अपनी गाड़ी में सनशीट्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो बेसिकली गाइस, ये वीडियो में आपको मैं डिफरेंस दिखाने वाला हूँ जो हमारे लीगल शेड्स होते हैं और जो इलीगल शेड्स होते हैं। तो हाँ भाई, बिल्कुल आपको मार्केट में इलीगल भी मिल जाएंगे और लीगल भी मिल जाएंगे। जिसमें विजिबिलिटी होती है वो आपके लीगल होते हैं, और जिसमें बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं होती वो इलीगल होते हैं। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से भाइयों को डाउट रहता है, मतलब बहुत से भाइयों को पता ही नहीं होगा कि जो शेड्स होते हैं उसमें चलान भी होता है। अभी हमें ये पता है कि जब हम शेड्स लगाते हैं उसमें कोई चलान नहीं होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, इसमें भी चलान होता है। विजिबिलिटी के बेसिस पर सारी बातचीत होती है इसमें, कि विजिबिलिटी अगर आपकी गाड़ी के अंदर सही आ रही है तो कोई भी चलान नहीं होगा। अगर विजिबिलिटी नहीं है गाड़ी में तो चाहे कोई भी आप फिल्म लगाओ या फिर इसको लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलान आपकी गाड़ी का होना ही होना है। तो दोस्तों, मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखा, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा आपको जो आगे काम आएंगे अगर आपको कोई रोकता है इनके लिए। तो दोस्तों, हम शेड्स क्यों लगाते हैं? शेड्स होते हैं जो अपने कर्टन्स होते हैं, ये हमारे जो होते हैं एक तो गर्मी में काफ़ी हेल्प करते हैं, अंदर जो होती है सनराइज एकदम नहीं आती, ऊपर से फिर प्राइवेसी का भी रीज़न है, तो अगर अच्छे से काम करता है फिल्म का, इसमें कुछ भी ऐसा इंटरप्ट नहीं है कि फिल्म तो है ना लगा दी तो नहीं निकलेगी, बट ये आपके हाथ की बात है, आप कब लगाना चाहो कब निकालना चाहो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा इसका बेनिफिट रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई, अपना जो है फिलहाल पीछे का काम स्टार्ट भी हो चुका है, मतलब जो वाइपर वाली सीरीज़ है उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊँ हमारे वाइपर्स भी, तो अभी फ़िलहाल गाइस ये देख सकते हो आप, हमने जो है वाइपर ब्लेड और अपनी आर्म ले लिए। अभी कौन सी गाड़ी का ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसे रखते हैं साइड में, बस अभी एक ही चीज़ का इंतजार है, वो है मोटर। तो जैसे ही अपने को मोटर डिलीवर हो जाएगी फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी में आपको दो शेड्स दिख जा रहे होंगे, दोनों हमारे ब्लैक शेड्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपने जो इलीगल शेड्स हैं उसकी बात करते हैं, जो बिल्कुल ब्लैक हैं, तो आप उसका मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाले जो शेड्स हैं ना, हमारी डिग्गी पूरी कवर कर लेते हैं, और ओवरऑल ये सारी गाड़ियों में फिट हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट होता है। और ये गाइस ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने एक लोकल स्टोर से खरीदा था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई देख सकते हो, बिल्कुल भी आपको आर पार मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पास जाके देखिए, अगर आप गाड़ी में लगा देंगे ना तो बहुत ही कम इसमें चांसेस हैं दिखने के। तो पीछे का शीशा जो है बिल्कुल जेड ब्लैक कर देते, तो वहीं है सेम जैसे अगर आप जानते हैं कि इसमें भी चलान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चलान नहीं होता, डेफिनेटली भाई इसमें भी चलान होता है। अब एक बार मैं आपको उसको पीछे फिट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये फिट होता है। और इसकी प्राइसिंग गाइस अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये 300 का मुझे देखने को मिल गया था, और मैंने सिर्फ एक लोकल स्टोर से खरीदा है, और मैं इसको लेके खुद भी परेशान हूँ, और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि आपको अंदर से बाहर भी नहीं दिख पाता ना अंदर दिख पाता है, ऐसा मतलब खाली जस्ट लगा दिया वही वाली बात हो जाती है इसको। तो इसको मैं एक बार आपको फिट करके दिखाता हूँ। इसका जो इंस्टॉलेशन है ना वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बोले तो यार फिट करने में थोड़ी इसमें दिक्कत आती है, तो फिर भी कोशिश करते हैं एक बार अच्छे से फिट हो जाए, और फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे यहाँ पे फिट कर लिया है, और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि अब जो है अंदर दिखना बिल्कुल बंद हो चुका है। बाहर से तो कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिल जाएगा। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, और गाड़ी के अंदर से मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लग रहा है, कि आप पीछे कैसे देख सकते हैं, और पुलिस वाले इसे कैसे पकड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो पहले उसी की बात करते हैं कि पुलिस वाले इसे कैसे नोटिस करते हैं। जैसे कि मैंने आप सबसे पहले भी ये चीज़ शेयर करी है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ गाड़ी आगे खड़े रहते हैं, उनको अगर अंदर सब दिख रहा है, रोशनी अंदर आ रही है, तो इसका मतलब गाड़ी के सारे शीशे ओके हैं। बट जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इसमें जो है अंदर रोशनी नहीं दिख रही है, पीछे का शीशा जो है ना अपना ब्लैक शेड आ रहा है अंदर को, तो वो इससे पहचानते हैं कि गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ टेंटेड है या फिर शेड्स लगे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक वाले हैं। तो ये उनकी ट्रिक होती है पकड़ने की। तो अब गाड़ी के अंदर से आपको एक बार दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर से कैसा लगता है सब। इसी से आप देख सकते हैं कि आपको एकदम अच्छे से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मतलब कोई आ रहा है नहीं आ रहा है एकदम पता नहीं चल पाएगा, जब तक आप एकदम पीछे से मुड़ के ना देखें ध्यान से कि कितना कोई है नहीं है पीछे। ठीक है, अभी भी देख सकते हैं ऊपर थोड़ा फिटिंग नहीं आई है उसकी, ऊपर थोड़ा सा गैप आ रहा है उसमें, क्योंकि यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, हर किसी कार में फिट जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप का इशू आ रहा है। तो दोस्तों चलिए, अब इसे शिफ्ट कर देते हैं, जो हमारा लीगल वाला है ना उसको लगा के देखते हैं एक बार। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारा लीगल वाला है, सेम हमारा जैसे ब्लैक आपको लुक चाहिए पीछे का वैसा ही काम कर रहा है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है अंदर इसमें, मतलब बहुत नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, उससे तो अच्छा ही है जो हमारा पहले वाला था, उससे काफ़ी सही है। और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है, पहले वाले में जो था बहुत ज़्यादा डार्क था एकदम, आप अंदर नहीं देख सकते थे, और बाहर भी नहीं दिखता था, ये भी उसमें ड्रॉबैक था, बट
लुक वाइज दोनों अच्छे हैं, मतलब ये भी आप कह सकते हो ना बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा है। और जो हमने अभी पुलिस वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे पुलिस वाले जानते हैं कि गाड़ी अंदर फिल्म लगी है नहीं लगी, अब इसमें भी ट्राई करते हैं और आप खुद बताइएगा कि इसमें आपको कितनी रोशनी दिख रही है पहले कंपैरिजन में। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपको ना विजिबिलिटी आ रही होगी अंदर, मतलब पहले के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। अगर हम पीछे का शेड ही हटा देंगे फिर तो और ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी, बट ओवरऑल देख सकते हैं कि ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी अंदर फिल्म लगी है शेड लगे हैं, बिल्कुल लीगल गाड़ी आपकी लगेगी। तो कोई भी एकदम हाथ नहीं देगा, इसमें कोई भी चलान वगैरह चांस नहीं होगा। आप अंदर से देख लीजिए कितना अच्छा मतलब पीछे का लुक आ रहा है, मतलब देख सकते हैं ना पूरी विजिबिलिटी आ रही है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है पीछे, आप अच्छे से देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और आपको वहाँ पर ना ऐसे हिंच जैसा दिख रहा होगा, गैप दिख रहा होगा, बेसिकली वहाँ पर ना लाइट का गैप आता है। आपको पता होगा जब अपनी ऑल 200 आती है इसमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप होता है जो ऊपर की तरफ लगा होता है, वो लाइट एक्चुअली मैंने निकाल दी थी क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बहुत सारी लाइट्स थी, तो मैंने कहा उसे हटा लेते हैं, तो इसलिए बस वहाँ पे गैप आ रहा है। और ओवरऑल उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा है बाहर से, जैसे कि अभी आपने देखा होगा ना, आपको बाहर से पता नहीं चला होगा कि उसमें है या नहीं है। फिर भी एक बार आपको बाहर से दिखाता हूँ जो गैप है कितना ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंज जैसा आ रहा है, ठीक है, और ये इतना अच्छे से विजिबल भी नहीं है। जब आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि इसमें ये थोड़ा सा हिंज है, बाकी लाइट आ जाएगी तो फिर ओवरऑल काफ़ी सही फिटिंग है। और इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल प्रॉपर है, आराम से फिट हो जा रहा है इसमें, जैसे कि पहले वाला जो था ना अपना वो फिट नहीं हो पा रहा था, बट ये जो है अच्छे से फिट हो चुका है। जो है अपने चारों शीशे के लिए मंगा रखे हैं तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि कैसे हैं वो। और उसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो गाइस वो मुझे अप्रॉक्स 1300 रुपये के देखने को मिल गए थे पूरा सेट। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे चारों डोर के मतलब सब दरवाज़ों के हैं, आगे के इसमें चेन के हैं, पीछे जो हैं अपने नॉर्मल वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग जो है 1700 लिखी है, अप्रॉक्स 1800 लिखी है एक्चुअली, और इतने का है नहीं है, 1300 का है, बाकी सेम ही है जैसे अपने पीछे लगे हैं ना वैसे ही इसका भी डिज़ाइन ही रहता है। और फ्रंट के जो दरवाजे हैं उनमें चेन मिल जाएगी, पीछे आपको नॉर्मल मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, इसको भी मैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर लूँगा। आपको इसमें कोई भी रोकता है तो आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि फिल्म में जो रूल चलता है वो भी हम इसमें रूल मानेंगे कि 70% से ज़्यादा विजिबिलिटी होनी चाहिए, कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। 70% से कम है तो फिर चांस है कि आपको रोक सकते हैं, बट चलान जो है अपना 50% पे ही हो जाता है। अब किसी स्टेट में जो है 70 पे भी कर देते हैं, 70 पे तो नहीं करते हैं वैसे, 70 अगर विजिबिलिटी है तो नहीं करेंगे, 60% है 50% है तो चांसेस हैं आपके चलान हो जाएँ, पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो चलान होता है ना 50% के आसपास पे ही होता है। और अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो भाई अप्रोक्स आप कह सकते हो कि 60 से लेके 70 के बीच की आपको इसमें विजिबिलिटी मिल जाती है देखने को, और बाकी आप पुलिस को अपने आप कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं सर ये लीगल है, क्योंकि कोई चलान का है भी नहीं भाई, इसमें कोई चलान हो भी नहीं सकता एकदम से। अगर आपने वो जेड ब्लैक वाला लगा दिया फिर तो भाई कुछ भी कर लो डेफिनेटली चलान होगा ही होगा, पर इसमें जो है चलान होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। प्राइवेसी के लिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं, और सनशेड का काम ही वही होता है धूप से बचाना, बस इसके यहीं कुछ बेनिफिट्स रहते हैं आपके पास, कोई अगर रोकता है तो आप उससे यहीं कह सकते हैं। और इसमें बेसिकली भाई मैंने आज तक पता कराया ना तो एकदम चलान नहीं हुआ है, अगर आपकी गाड़ी में बिल्कुल जेड ब्लैक वाले लगे तो उसमें चलान हो जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी अगली मजेदार वीडियो के साथ, और अगर आपको ये लेने होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, खाली अगर आपको सनशेड चाहिए उसका लिंक भी मिल जाएगा, चारों दरवाजों के लिए चाहिए जैसे मैंने ले रखे हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपको लेना होगा आप ले सकते हैं, बाकी अगर आप कोई और गाड़ी का चाहें तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आगे मिलते रहें फ्यूचर में, और मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।